क्लियर है? हाँ जी सर। सर नहीं समझ नहीं आया। अगर आपके मैप का स्केल, ये स्केल छोटा है ना, हाँ जी, तो जब छोटे स्केल वाले मैप में जब आपने कंटूर प्लॉट करने हैं तो कंटूर इंटरवल बड़े बड़े चूज करने हैं, समझ गए? समझ गए? ठीक है सर। अगर आपका स्केल, ये स्केल बड़ा है, अगर आपका स्केल मैप का बड़ा है तो उसके अंदर जो आपने कंटूर इंटरवल चूज करने हैं वो छोटे छोटे करने हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन है स्केल ऑफ द मैप। मतलब सर स्टार्टिंग से ही हमें चूज करना पड़ेगा ना? हाँ, पहले जब आप सपोज कर लो आपने, अब देखो ऐसे होता है, जब टोपोग्राफिकल मैप आगे पढ़ाएंगे आपको, टोपोग्राफिकल मैप में पहले प्लेन टेबलिंग करी होती है, प्लेन टेबलिंग का स्केल चूज किया होता है, उस स्केल पे डिपेंड करता है उसी मैप में हम कंटूर प्लॉट करते हैं। तो अगर उस मैप का स्केल छोटा है तो कंटूर इंटरवल बड़े चूज किए जाते हैं, अगर उस मैप का स्केल बड़ा है तो कंटूर इंटरवल जो उसमें बनाने हैं वो छोटे चूज किए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब दोबारा शेयरिंग पे आ रहा हूं। हाँ जी, तो ये अब स्केल ऑफ द मैप देखो, द स्मॉलर द स्केल, अगर स्केल छोटा है, ग्रेटर विल बी द कंटूर इंटरवल, तो कंटूर इंटरवल बड़ा रहेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में, द कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल ऑफ द मैप। मतलब अगर आपका स्केल मैप का छोटा है तो कंटूर इंटरवल बड़े रखने हैं, अगर आपका स्केल मैप का बड़ा है तो आपने कंटूर इंटरवल छोटे रखने हैं। क्लियर? क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट आ गया पर्पस ऑफ सर्वे। देखो अगर आपका सर्वे करने वाला एरिया बहुत बड़ा है जिसके ऊपर आपने कंटूरिंग करनी है तो कंटूर इंटरवल लार्ज रखे जाते हैं। कंटूर इंटरवल इज लार्ज इफ द एरिया टू बी सर्वेड इज लार्ज। अगर आपका एरिया छोटा है तो कंटूर इंटरवल भी जोन से छोटे रखे जाते हैं। क्लियर? क्लियर है? आवाज आ रही है सर? रिपीट कर दो सर। अगर आपका सर्वे एरिया बड़ा है तो कंटूर इंटरवल बड़े रखे जाते हैं, अगर आपका सर्वे एरिया छोटा है तो कंटूर इंटरवल छोटे रखे जाते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, अभी एक टेबल दिया हुआ है, जनरली द फॉलोइंग कंटूर इंटरवल्स आर अडॉप्टेड। अब देखो अगर स्मॉल स्केल मैप्स हैं, अब मैंने टोपोग्राफिकल मैप की देखो बात आ गई, अगर वो मैप जो कि छोटे स्केल पे बने हुए हैं उनमें जनरली कंटूर इंटरवल कितना रखा जाता है मीटरों में? 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। अब ये मीटरों में है, मतलब अगर आपने 3 मीटर कंटूर इंटरवल चूज कर लिया तो आपने उस मैप, वो मैप जिस मैप में 3 मीटर कंटूर इंटरवल चूज कर लिया उसमें जितने भी कंटूर बनाने हैं वो सारे 3-3 मीटर के कंटूर इंटरवल पे ही बनाने हैं, मिक्स नहीं करना। एक बार जो कंटूर इंटरवल चूज कर लिया वही कॉमन पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है? हाँ जी। अब अगर कोई लार्ज स्केल मैप है, जैसे फ्लैट एरिया के, प्लेन एरिया के मैप है, तो उसके अंदर हम कंटूर इंटरवल छोटा लेते हैं, 0.2 मीटर से 0.5 मीटर तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। अगर कोई रेजरवायर है, रेजरवायर में हम 0.5 मीटर से 2 मीटर तक ले लेते हैं। अगर किसी एरिया का लोकेशन सर्वे करना है, मतलब उसकी लोकेशन मार्क करनी है, साइट प्लान बनानी है, तो हम 2 मीटर से 3 मीटर ले लेते हैं। अगर हमने बिल्डिंग साइट्स का प्लान बनाना है तो हम उसमें 0.5 मीटर कंटूर इंटरवल ले लेते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट जिसके ऊपर कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है वो है टाइम एंड एक्सपेंस। अब देखो अगर सपोज कर लो आपके पास बहुत खुला टाइम है, बहुत आपके पास टाइम पड़ा है, तो आप क्या डिटेल में कंटूरिंग कर सकते हो? डिटेल में कंटूरिंग का मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा कंटूर बना सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कंटूर बनाने का मतलब ये है अगर कंटूर इंटरवल छोटा छोटा रखोगे तो उतने ही ज्यादा कंटूर बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम खुला है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप कंटूर इंटरवल छोटा रख सकते हो, कहने का मतलब ये है। क्लियर है? हाँ जी सर। अगर आप कंटूर इंटरवल छोटा रखोगे, सपोज कर लो अगर आप कंटूर इंटरवल छोटा रख रहे हो तो ज्यादा कंटूर बनेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप कंटूर इंटरवल ही आपने बड़ा रख लिया तो फिर कम कंटूर बनेंगे, है ना? है ना? वो सर प्रिसाइज वर्क होएगा ना?
हाँ अगर आपके पास खुला टाइम है, आपके पास एक्सपेंस भी है, खर्चा भी कर सकते हो और एक्यूरेटली आपने काम करना है, तो आप छोटे कंटूर इंटरवल रखो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंटूर बना सको। तो बस यही इसका पॉइंट का मतलब है। इफ देखो, इफ सफिशियंट टाइम एंड एक्सपेंस आर अवेलेबल, मतलब खुला टाइम है, तो आप कंटूर इंटरवल छोटे रखे जाते हैं, कंटूर इंटरवल मस्ट बी टेकन स्मॉल। क्लियर? क्लियर? हाँ जी सर। पर ये बात है, अगर आपने, अब देखो, अब आपने छोटा कंटूर इंटरवल ले लिया, इतने सारे कंटूर बना लिए, इतनी सारी कंटूरिंग कर ली, तो उसको प्लॉट करने के लिए टाइम भी तो चाहिए, ठीक है ना? तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए, ठीक है ना? प्लॉटिंग वर्क भी फिर ज्यादा हो जाती है, टाइम भी खुला होना चाहिए। द स्मॉलर द इंटरवल, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ प्लॉटिंग एंड फील्ड वर्क, उतना ही आपको ज्यादा फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क करना पड़ेगा। प्लॉटिंग मतलब ड्राइंग बनानी, कंटूर मैप बनाना, उतना ही आपको कंटूर जमीन पे लगाने पड़ेंगे, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और उतने ही आपको प्लॉटिंग वर्क भी आपका बढ़ जाएगा। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ जी, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और ये स्पेशली कंटूर इंटरवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ जाता है। कंटूर इंटरवल बताओ और उसके फैक्टर्स बताओ जिनके ऊपर कंटूर इंटरवल डिपेंड होता है, तो ये आपको आने चाहिए। कंटूर इंटरवल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है? ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आज हम पूरा कंप्लीट ही करेंगे, अगर 5-10 मिनट ऊपर हो जाए कोई बात नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर मतलब कंटूर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द कंटूर लाइन रिप्रेजेंट सेम एलिवेशन, मतलब एक हमने कंटूर लाइन बना ली तो उस कंटूर लाइन के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट हो सबका लेवल बराबर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, इफ द कंटूर लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, मतलब कंटूर लाइंस यूनिफॉर्मली है, ओके सर, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है तो वो यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी। अगर वो पैरेलल हैं तो वो प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है सर? वो रीडिंग्स से पता चलेगा ना? रीडिंग्स लोगे, कंटूर बनाओगे, जैसी जमीन होएगी वैसे वैसे कंटूर बनेंगे, आपके पास कंटूर तैयार हो गए, आप कंटूर मैप पढ़ रहे हो, तो अगर उसके अंदर कंटूर लाइंस यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म स्लोप है, ठीक है? अगर उसके अंदर लाइनें पैरेलल पैरेलल लगी हुई हैं तो आपको देख के आपको समझ आ जानी चाहिए ये प्लेन सरफेस है, ठीक है? ओके सर। थर्ड पॉइंट देखो, इफ द कंटूर लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर कंटूर मैप के अंदर कंटूर लाइंस बहुत पास पास हैं, तो वो स्टीप स्लोप, मतलब खड़ी ढलान, मतलब सीधी स्लोप, वो स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? ठीक है, ओके सर। अगर कंटूर लाइंस बहुत दूर दूर हैं, वाइडली सेपरेटेड नक्शे में, प्लान में बनी हुई हैं, कंटूर मैप में, तो वो फ्लैट ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? ओके सर। अब एक और, अब मैं फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा, तो पहले तो ऐसे करो सुवन, दोबारा रीजन करते हैं हम, कितने 18 जने हैं, दोबारा रीजन करो, क्योंकि जो मैंने अब फोर्थ पॉइंट समझाना है वो थोड़ा टाइम लेगा, दोबारा रीजन करो सर, 18 जने हैं हम, ठीक है?